सुने यार, लाइट्स ऑफ करें, बैग उठाएं अपने, निकलते हैं। पापा को लग रहा है ये कैमरा से टाइम हो चुका है निकलने का भाई। दो दिन मजे करके अब पहुंचते हैं वापस से ग्वालियर अपने का घर, नहीं घर तो ही है, अपनी कर्म भूमि पर। जय जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैं हमेशा जाता हूँ, थोड़ा सा दुखी रहता हूँ, दुखी मन के साथ जाता हूँ, लेकिन आज इतना दुख नहीं होगा मुझे, क्योंकि आज साथ में पापा भी हैं, तो पापा और मैं दोनों साथ जा रहे हैं। ये खुशी की बात है। बैग पैक हो चुका है, बस सारा सब कुछ क्लोज करके फिर निकलते हैं जल्दी से। अभी तो हमें हाईवे तक पहुँचना है यार पैदल पैदल, फिर वहाँ से ऑटो मिलेगा, ऑटो लेके जाना है फिर। रेडी? चलो फिर निकलते हैं। अभी हैं 5 मिनट और 10 मिनट। चलो यार, लाइट्स ऑफ करें, बैग उठाएं अपने, निकलते हैं, टाइम से पहुंचे। पापा को लग रहा है ये कैमरा से फर्स्ट टाइम है पापा शताब्दी, पहली बार जा रहे हो? जी पहली बार। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा, जगह में लग रहा है। क्या नाश्ते में? कटलेट, चिप्स और ये ब्राउन ब्रेड बटर बस, और एक जूस। वैसे आज अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा पहली बार शताब्दी में बैठे थे, बोल रहे थे। मैंने पूछा था, मैं पूछा था, दिखाया ना वो वीडियो में। हाँ मैंने पूछा पापा फर्स्ट टाइम बैठे? हाँ फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। अच्छा लगा अपने पेरेंट्स को वो सारी लग्जरी देना। ऐसे क्या यार, शताब्दी बैठाना कोई लग्जरी तो नहीं है, पर फिर भी जिन चीजें, जो चीजें उन्होंने करी नहीं है, उन चीजों को, उन वो चीजें करवाना या उन चीजों को देना तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा तो आ जाता है। जैसे अभी मेरा एक ड्रीम है कि उनको एक बार फ्लाइट में बैठाना है अपने पेरेंट्स को, तो वो भी ठाकुर जी चाहेंगे तो किसी ना किसी दिन पूरा कर देंगे ये चीज भी। लेकिन आज अच्छा लगा उनको, फर्स्ट टाइम उन्होंने शताब्दी दिन उड़ाया, खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। क्योंकि यार वो लोग देखो कहीं निकलने तो है नहीं, घूमने फिरने ही हो कि अपनी एज में, या वो लोग कहीं निकल के घूमने जाते थे तब शताब्दी चलती थी, उससे चले जाते थे, ऐसा तो था नहीं।
बस वही ड्यूटी करते थे, घर घर से घर, वो नौकरी नौकरी से घर, बस इसी में उन्होंने अपनी लाइफ निकाल दी पूरी। थोड़ी बहुत सेविंग करी, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर दी सभी। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो सारी चीजें एक तरीके से प्रोवाइड करवाना अच्छे से अच्छा। तो ऐसा कुछ करो तो फील तो अलग ही आता है, खुशी होती है, मुझे तो आज है भाई। आप लोग भी कोशिश करना अपने पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा खुशियां देने की इसी तरीके की, जो उन्होंने अपने लाइफ में कभी कुछ किया नहीं है या जिसका उन्होंने ड्रीम देखा हो वो ड्रीम पूरे करके दिखाने का, तो अलग ही मजा आएगा उस चीज का। अभी फिलहाल मैंने भिंडी बनाने के लिए रख दिया किचन में, खाना बना रहा हूँ। गर्मी की हमारी हालत तो खराब है ही, आप जानते हो। थोड़ा ओपन में आ जाऊ, गर्मी की हालत खराब हो रही है भाई। अभी अंदर जाऊंगा, अंदर के टीवी चल रहा है, इस चक्कर में आ गया, नहीं तो अंदर बैठा रहता एसी में आराम से। खाना बनाते हैं, खाना बन ही रहा है और फिर पापा से टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं पापा को कैसा लगता है हमारे यहाँ का खाना। आई होप अच्छा ही लगे। रोटी वोटी आ रही है? रोटी बननी है, अच्छी बन रही है। वो तो खा के पता चलेगा अच्छी है कैसी है। काम फटाफट करता हूँ मैं सारे। एक्सपर्ट हो? एक्सपर्ट तो खैर नहीं है, एक्सपर्ट तो लेडीज ही होती है, बस यही काम चला लेते हैं अपना। चलाना चाहिए। ये भिंडी मैंने बनाई है, देखते हैं कैसी बनी है। अरे पहले आप लोग। ट्राई करो, देखो कैसा है कैसा नहीं है। आई होप अच्छा ही होगा, उम्मीद तो अच्छी की है। नमक का आइडिया नहीं है मुझे, नमक वमक पता नहीं रहता, थोड़ा सा नमक कम हो सकता है, नमक मैं हल्का कम ही रखता हूँ। सही है, अच्छा है, पसंद तो आ गया, यानी मेहनत सफल। पहले मैं खा लूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं पहले मैं भी चखते देखूँ, बाकी मैं पता चले पापा झूठी बोल रहे हैं यार, पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बोल देंगे हाँ अच्छा है ऐसा है, खुद को पता चल जाएगा कैसा है। सही है, ठीक बोल। लग्जम्बर के बारे में बहुत सी बातें मेरे को आपको बतानी थी, लेकिन अभी से ठीक। पापा को बढ़िया लग गया ये पैसेंजर पर, हमें सारे ब्लॉग दिखा दे पापा ने आपके, पापा को अच्छा लग रहा है ट्रैवल करना। चलो हम घूमने चलते हैं पापा, चलोगे कहीं ना कहीं? छुट्टी नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं मार जाते, एक लंबा ट्रिप मार जाते हम दोनों। पापा भी वैसे अपने टाइम में मतलब गए थे केदारनाथ वगैरह, ट्रेनिंग टाइम पे गए हुए हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे, तो इतना ज़्यादा नहीं घूमे। ट्रैवलिंग पापा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ऑब्वियसली बात है, मुझे भी अच्छी, तो इसलिए वो ट्रैवलर अच्छा लग गया पापा को, अच्छा लग रहा है। कह रहे मेरे जैसे ही लग रहा है पैसेंजर पर, हम कहेंगे कहाँ है वो इतना स्मार्ट बंदा, मैं कहाँ है सर। चलिए कोई नहीं, और आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, और अभी फिलहाल हफ्ते और तो हमारे साथ नहीं आएंगे, बाद में बाकी देखेंगे। चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।